हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज कुछ सब्सक्राइबरों की कमेंट आई थी, तो किसी का बर्थडे है और किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो अक्ष और पलक का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गरिमा जी का बेटा है, उनके 90% नंबर आए हैं। आयरन रैग जी की बेटी है, उनके भी 88% नंबर आए हैं, 88 10 क्लास में। और उनको बहुत बहुत बधाई, और वे हमेशा तरक्की करें और अच्छे नंबरों से पास रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। राम राम जी। और महाशिवरात्रि पर भोले बाबा को जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं हूँ गगन है, और मंदिर में और भी भक्तजन है। कमी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सब आ रहे हैं और जल अभिषेक करें भोले बाबा को। और हम उस समय गए थे, उस समय बिल्कुल भीड़ भी नहीं थी। आप देख सकते हैं मंदिर में सिर्फ मैं अकेला हूँ, गगन है और एक दो भक्तजन हो रहे हैं। और पूजा ने आज फिर घर बैठे कुछ ख़रीदारी की है। सोने के लिए सिंगार का सामान लिया है, उसकी कोथली जाएगी, तो इसलिए इनका सामान लिया है कुछ। दिखाइए के नाम की ले रही है, भवानी के नाम की। और कुछ चूड़िया भी लिया, दिखाई कहाँ है ये चूड़िया ली? सिंपल घर के लिए। और आज हम अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर में गए हैं। प्राचीन नहीं, ये प्राचीन स्वयं प्रकट मंदिर है, शिव पार्वती धाम। ये हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर है, साजक गांव है, साजक मुजफ्फरनगर के पास। और इस मंदिर की खासियत यह है कि 1965 में यहां पर एक शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए थे, वो आपको दर्शन कराता हूँ उसके। तो ये शिवलिंग है जो यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे 1965 में, और साथ में माता गौरी भी है, माँ पार्वती। और इसकी खुदाई की गई नीचे तक, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं मिली। बताते हैं कि ये अनंत है, नीचे तक इसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी खुदाई की लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इसका अंत नहीं मिला कहीं भी। और आज ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है हमारे इलाके का। और हमने यहाँ पर यहाँ के पुजारी से बात की है, उन्होंने इस शिवलिंग पर चार तरफ भगवान गणेश जी की प्रतिमा दिखाई, और शेषनाग की, और भगवान अमरनाथ की शिवलिंग के दर्शन करें यहाँ पर, और स्वयं पार्वती जी का और भगवान शंकर का जोड़ा भी दिखाया। और कुछ कुछ झलक दिखती है इसमें चारों धामों की। भगवान गणेश जी की प्रतिमा दिखती है इसमें, माँ गौरी शंकर की प्रतिमा दिखती है, और भगवान अमरनाथ की दर्शन होते हैं इसमें, और शेषनाग जी के। मेरा खाना बना दिया है, दो जनों की रोटी बनी है, पापा जी की और दादी बुआ की। तो दो जनों की रोटी पूजा ने बना दी है, दादी का उधर खड़ी है बातें कर रही है। और देखिए आज का मौसम भी कितना सुहाना है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज का राशन भी आ चुका है, यानी कि 15-20 दिन का राशन भी आ चुका है हमारा। आधा किलो राजमा, एक लक्स, और ये घी के घी है, मोल का खाते हैं घी, सरफ है, हल्दी, मिर्च, चाय की पत्ती, जीरा, उड़द की दाल,
छिलके वाली, और अरहर की दाल आधी किलो, एक पाव हल्दी, बेसन, राजमा आधी किलो, मलका मसूर की दाल और चने की दाल। तो हमारा राशन आ चुका है 20 दिन का मान लो या 15 दिन का मान लो, ये 15-20 दिन का राशन हो चुका है हमारा। ये राशन हो गया, उठा ला पूजा ने। और मेरे दादी को बैठे यहाँ पर हवा में, हवा तो है नहीं, खुले में बैठे हैं बस, जिससे कि थोड़ी हवा लग जाए, जो बाजी बार थोड़ी थोड़ी नमक आ जाती है हवा की, तो वही सोच रहे हैं लग जाए तो थोड़ा पसीना उतर जाए, क्योंकि आज इन्वर्टर डाउन हो चुका है, लाइट बहुत कम आ रही है, इन्वर्टर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है हमारा, क्योंकि बहुत पुराना इन्वर्टर हो चुका है हमारा। और आज जो है महाशिवरात्रि है, लेकिन और महाशिवरात्रि के त्यौहार में आज कोई मिठाई भी नहीं बनी, क्योंकि कोई मिठाई बनाने वाला नहीं है, दादी बुआ भी नहीं है बनाने आती, बूढ़े हाथ पैर हो चुके हैं, और पूजा भी अभी भी पूजा ने मम्मी के साथ बनाई है एक दो फिर, लेकिन उसमें आती नहीं बनानी, मम्मी ने बनाई थी जब भी बनाई है, लेकिन आज ये त्यौहार हमारा ऐसे गया बिना, ऐसा लगा जैसे आज त्यौहार है नहीं था। जो मम्मी होती तो चुराए के लड्डू बनाती और पेड़े बनाती, और एक दिन दोनों भाई बहन मिलकर मिठाई बनाना जरूर सीखेंगे, यूट्यूब के थ्रू या फिर चाची के द्वारा बनाना जरूर सीखेंगे। इतना कितना चुका है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पेड़े चक्के लड्डू आज मम्मी कितने आइटम बना देती, लेकिन आज कुछ भी नहीं बना, लेकिन कुछ मिठाइयाँ जो है घेर में से आएगी, चाची जी का फोन आया था, और बबली चाची बोल रही थी कि मैं भिजवा दूँगी लड्डू, उन्होंने कुछ लड्डू बनाए हैं तो पूजा करने के लिए लड्डू, और उन लड्डू के लिए जाकर मंदिर में पूजा करनी है और जल अभिषेक करना है भोले बाबा का, और लड्डू मैं लेने जा रहा हूँ कुछ देर बाद, उनका फ़ोन आ गया है। और देखिए आप इस छत के ऊपर देख सकते हैं कैसे वी कलर का आकार बना है बादलों में, दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, देखिए शाम के टाइम। तो जल चढ़ाने का समय हो चुका है महादेव का, तो जल अभिषेक करना है, और देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये वी कलर का कैसे आकार बन रहा है आज, ये वी कलर ऐसे डिजाइन से बन रहा है आज बादलों में, ये देखिए उस घर से इस घर तक, जय भोलेनाथ हर महादेव। और घर में आज हम 3 सदस्यों का व्रत है, पूजा का है, मेरा है और गगन का है, गगन भी व्रत है, और अंकित ड्यूटी पर गया है, तो मैं अब चाहता हूँ घेर में लड्डू लेने के लिए। तो मेरी और अनुष की अभी फाइट हुई थी कुछ देर पहले, है भाई फाइट हुई, और हमारी फाइट कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो फाइट में कौन जीतता था? मैं। अरुषि, अरुषि भी हार गई थी और अरुषि भी हार गया था। लाड कर दो तो मेरा दोनों भाई नहीं बस यार दोनों एक साथ, वो इधर खाना चल रहा है चिंकी का, क्या बनाया खाने में आज? तो आज मेरा तो बड़ा था और चाची देखे लड्डू लगा रहे हैं घर के नाम के, तो फोन आया था इनका दोपहर भी, और शाम का टाइम तक ये बन गया रेडी हो चुके थे, तो लड्डू और बर्फी मखाना बर्फी चाची जी ने घर के नाम के पैक कर दिया। और देखिए मैं घेर में से आ चुका हूँ, और ये लड्डू लाया हूँ घेर में से, चाची जी ने बनाए थे, और ये बर्फी है कज्जू की और मुनक्का भी बता रहे थे अच्छी बर्फी, और देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में तो और भी टेस्टी आएगा इनका, तो मैं जब
जल अभिषेक कर आऊँगा भोले बाबा को, तो उसके बाद खाऊँगा। और व्रत हमारा सुबह खुलेगा, तो पूजा ने सुबह व्रत खोलने के लिए छोले भेजे हैं। और ये हमारे लड्डू, चाय बना भी दूध तो बता, दूध दे देंगे एक गिलास ही। गगन का आएगा फिर दूध और लड्डू और बर्फी। तो व्रत में हम ये खा रहे हैं, तो व्रत तो हमारा सुबह खुलना है। और आपको आवाज़ आ रही होगी, मंदिर भी हमारे पास ही है और वहाँ पे मंत्र चल रहे हैं, भोले बाबा जी का जल अभिषेक होने वाला है। तो हम तो पहले जल अभिषेक कर आए हैं। और पूजा ले लो लड्डू बर्फी, ले लिए लड्डू बर्फी और दूध। दादी बुआ और पापा जी नीचे लेटे हुए हैं, तो उनके लिए भी पूजा लड्डू और दूध ले जाएगी। तो मैं और पूजा बैठे हैं अपना व्रत का लड्डू खा रहे हैं, उन्होंने खाना खा लिया था और नीचे चले। और गण जो है मंदिर में जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए और भोले बाबा का जल अभिषेक करने के लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो और आज का अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले राम राम जी।